थी। सर्वप्रथम आप सर्व को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभ भावनाओं के साथ और मंगल कामनाओं के साथ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नवरात्रि आती है तो हम सभी के हृदय में, दिल में, मन में उत्साह, उमंग और आनंद छा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी इष्ट देवी का विशेष रूप से त्यौहार है और इस त्यौहार पर हम सभी संगठित रूप में मिलते हैं, एक दो के साथ रास रचाते हैं, एक दो को रास रचाने अपने पास आमंत्रित भी करते हैं। हम देवी की स्थापना करते हैं और उस देवी के पूजन, अर्चन और दर्शन के लिए हम देवी भक्तों को और जो देवी भक्त नहीं हैं उन्हें भी देवी के दर्शन कर प्रसन्न होने को और देवी के द्वारा वरदान, आशीर्वाद और मन की इच्छा को पूर्ण करने का निमंत्रण देते हैं। और जो आते हैं वो देवी के दर्शन करके अवश्य प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता के साथ साथ वह उस देवी के आगे अपनी मनोकामना भी अवश्य रखते हैं। उस मनोकामना में खुशी की बातें भी होती है तो गम की बातें भी होती है। कोई खुशी की बात बताकर देवी से ये आशीर्वाद या वरदान लेना चाहते कि ये हमारी खुशी कभी भी नष्ट न हो, दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती चली जाए। और जो गम लेकर आते हैं या कोई दुख या दर्द लेकर आते हैं तो वह देवी के आगे यह अपनी मजबूरी, अपनी हार, अपनी कमजोरी, अपने को शक्तिहीन जो समझते हैं वो देवी के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ तू मुझे शक्ति दे, हे माँ मुझे वो ताकत दे, हे माँ मुझे वो बल दे कि मेरे जीवन के अंदर आने वाली समस्याएं, परीक्षाएं, विपरीत परिस्थितियां जो मुझे दुखी करती हैं, व्यथित करती हैं, उनके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मुझे सहन शक्ति दे, मुझे सामना करने की शक्ति दे, मुझे परिवर्तन की शक्ति दे, मुझे विजयी कर, मुझे विजयी होने का वरदान दे, आशीर्वाद दे। तो हे माँ मुझे शक्ति दे। तो शक्ति लेने, गुणों को भरने या फिर जीवन के अंदर वरदानों को प्राप्त करने माँ के आगे माँ माँ कह कर के आते हैं, दुखों को प्रकट करते, व्यथित होते, रोते हैं और चिल्लाते हैं बच्चों की तरह, इसलिए कि माँ उनकी सुने। अब माँ के सुनने का तो प्रश्न ही नहीं, माँ तो हर बच्चों के दुख दर्द में उनकी आवाज़ अवश्य सुनती है। फिर मनुष्य को क्यों लगता है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर माँ को पुकारूंगा तो माँ मेरी अर्जी सुनेगी, माँ मुझे सुनेगी? इसलिए कि कहीं ना कहीं उसको हृदय के किसी कोने में ये भय लगा रहता है कि मैं अवगुणी हूँ, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये भूल की है, मैंने ये महाभूल की है, मैंने ये महापाप किया है, मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, मैंने इतने अच्छे कर्म नहीं किए, जो माँ मुझे माफ़ करे, क्षमा करे और मुझे जो मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ वो मुझे माँ दे। परंतु उस घड़ी वो भक्त, वो बच्चा माँ की ममता को भूल जाता है
कि माँ अपने कैसे भी बच्चे हो, चाहे वो बच्चे उनके सक्षम हो या ना हो, चाहे वो शक्तिवान हो चाहे शक्तिहीन हो, चाहे वो बच्चा किसी अंग से अभंग हो, अगर उसको कोई कर्मेंद्रिय नहीं भी मिली है, वो लूला है, लंगड़ा है, परंतु माँ को पुकारता है, अंधा है, गूंगा है, पर माँ को दिल से जब पुकारता है तो माँ उनकी सुनती है। अरे पुकारने पर सुनती है ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे चमत्कार और ऐसी मदद के अनुभव भी हम कईयों के द्वारा सुनते हैं कि मेरे वश की यह बात नहीं थी, मैंने तो कभी माँ को पुकारा भी नहीं, मैंने भगवान को तब याद भी नहीं किया था, परंतु पता नहीं कैसे मेरे जीवन की ये उलझन सुलझ गई, कैसे मेरी समस्या का समाधान हो गया, कैसे मेरी परिस्थिति बदल गई, मेरे में कैसे परिवर्तन आ गया, किसने किया, कब किया, क्यों हुआ, मुझे भी पता नहीं। परंतु जीवन के अंदर ऐसी जादू की बातें या अचानक की बातें, अच्छी बातें, सकारात्मक बातों का हम अनुभव करते हैं, सुनते हैं, सुनाते भी हैं। तो ये क्या है? ये गुप्त रूप में माँ के आशीर्वाद हैं, ये गुप्त रूप में माँ की हुई भक्ति का फल है। अगर इस जन्म में भक्ति नहीं की तो किसी न किसी जन्म में, पूर्व जन्म में हमारी की हुई भक्ति का फल हमें अभी मिल रहा है, तो माँ की ममता से हमें वो अवश्य ही प्राप्त होता है। और माँ क्षमाशील है, माँ करुणा की देवी होती है, माँ प्रेम का सागर होती है, माँ प्रभु का स्वरूप होती है, इसीलिए हमें माँ से ये सब कुछ प्राप्त होता है। और इसीलिए हम सभी अपनी मनोकामना देवी के आगे रखते हैं, माँ के आगे रखकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, और मनोकामना पूर्ण होते ही हम उल्लास में, हर्ष में, आनंद में आ जाते, और हर्षोल्लास में हम रास रचाते। हम जिनसे हमारी रास नहीं मिलती, यानी स्वभाव नहीं मिलता, उनसे भी हम स्वभाव मिलाने लगते हैं। जैसे गुजरात में गरबे गाते, डोंका खेलते, तो डोंका खेलते समय उनको, डोंके को सामने वाले अपने साथी के साथ मिलाने होते हैं। अगर नहीं मिलाया तो वो हानि पहुंचा सकते हैं, तो हानि न पहुंचे इसीलिए हम रास मिलाते हैं। तो जीवन में भी हम इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें कि कोई भी हमें हानि पहुंचाए, ऐसा कर्म हम उनके प्रति न करें जो उनको बदला लेने की हमारे लिए भावना प्रकट हो और वो हमसे बदला ले। इसीलिए हम खुद भी अच्छा कर्म करें, उनके प्रति अच्छा सोचें, उनके प्रति अच्छा देखें, उनके प्रति अच्छा सुनें, सुनाएं, जब भी मुख से उनका वर्णन करें तो गुणों का वर्णन करें, उनकी अच्छी बातों का वर्णन करें। परंतु हम नकारात्मकता से स्वयं को दूर रखें, हम उस व्यक्ति की नकारात्मकता को न देखें। अगर दिखाई भी पड़ी तो जैसे देखते हुए नहीं देखी, हम उसी ही क्षण उसकी नकारात्मकता को एक बच्चे की तरह निर्दोष भाव से भूल जाएं। ये हम अगर जीवन में धारण कर लें तो माँ तो हमारी है, हमें शक्ति भी देती, हमारे में गुण भी भरती और हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती। तो क्यों नहीं हम नवरात्रि में अपनी इस दिव्य माँ को, अपनी इष्ट देवी को आवाहन करके अपने घर में उनको बुलाएं,
अर्थात इन सर्व सकारात्मकताओं को अपने घर में प्रवेश कराएं, उनके शुभ कदम, हर गुण के कदम हम अपने घर में पद्म की तरह रखाएं और घर में पद्मों की खुशियां प्राप्त करें। सब सुखी रहें, आनंदित रहें और हर एक का जीवन बुरे कर्मों से बचा रहे।